हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आजकल तो गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि तापमान घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इसी में बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं। तो भाई गर्मी की छुट्टी हो गया है तो बच्चों का डिमांड भी बढ़ गया है, तापमान भी बढ़ रहा है, बच्चों का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो भाई देखिए कि जब शाम होते ही बच्चों का डिमांड शुरू होता है कि कुछ घर में बनाओ, तो गई फ्रिज में, तो फ्रिज में देखी कि एक पिज्ज़ा बेस पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी के साथ कुछ ट्विस्ट किया जाए, तो मैंने फटाफट पिज़्ज़ा बेस को बाहर लेकर आई और किचन के प्लेटफॉर्म पर रख करके इसको इस तरीके से मैं गोल कट कर ली, और उसके एक बेस पर हम अपना सॉस डाल दिए, और साथ ही कुछ घर में जो हरी सब्जियां पड़ी हुई थी, प्याज, चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, ये जो जो भी हैं थोड़ी बहुत हरी सब्जियां घर में ही पड़ी हुई थी, और मैं थोड़ा सा उसमें शिमला मिर्च भी डाल दी हूँ और घर के ही बने हुए पनीर को भी इसमें डाल दी। तो आप कोई भी हरी सब्जियां ले सकते हैं आप, और साथ ही इसके ऊपर हम अच्छे से चीज़ को गार्निशिंग किए हैं, तो उसके ऊपर खूब सारा चीज़ हम डाल दिए हम, और फिर इसको ऊपर से इसको जो एक भाग जो काट कर रखे थे वो उसका इस पर रख देंगे हम। और मेरे कढ़ाई में पहले से ही मेरा एक कढ़ाई प्री हीट हो रहा था, और इन सारे बेस को हम इसके ऊपर रख देंगे हम दूसरे बर्तन के साथ इसको, और 8 से 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल मीडियम आँच पे इसको बेक होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा 8 से 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका प्लेटिंग करते हैं। इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर से हम थोड़े से ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तो इवनिंग स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज इवनिंग में क्या बनाया? अगर आपके पास कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।